हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक माय हंगर। कैसे आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि मैं लखनऊ सिटी घूमने के लिए आया हूं और आज हम लोग गए थे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, भूल भुलैया पिक्चर आर्ट गैलरी। तो बस घूमते फिरते जो है ना, इतना वक्त हो गया था, खाने का वक्त हुआ, तो आज हमने चूज़ किया हुआ लखनऊ में रॉयल कैफ़े। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट माना जाता है वेज एंड नॉन वेज के लिए। तो चलिए, आज हमने खाने का डेस्टिनेशन में चूज़ किया हुआ है। और मैं आपको बता दूँ, हम लोग जो है ना नॉनवेज खा खा कर थक गए थे, तो हमने आज चूज़ किया है वेजिटेरियन डिश। हमने मंगाया है वेज मंचाओ सूप, दाल तड़का, पालक पनीर और रोटी। राइस में थोड़ी देर में हम लोग कुछ मंगाए, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ का खाना कैसा। तो हम लोगों ने मंगाया है वेज मंचाओ सूप। हम लोग आए हुए हैं रॉयल कैफे, आप देख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि सूप कैसा बना हुआ है इनका। मजा आ रहा है, देख सकते हैं। स्पाइसी लग रहा है। ओवरऑल आज हमने रॉयल कैफे में जो है ना वेज खाना प्रेफर किया हुआ है। इन नूडल्स के साथ में कॉम्बिनेशन जो इसका लग रहा है ना, मजा ही आ रहा है। ओह, दिस इज अवर दाल तड़का, पाइपिंग हॉट आया, आप देख सकते हैं। बहुत ही फेमस है ये रॉयल कैफे यार इन लखनऊ। एंड दिस इज पालक पनीर। ओहो हो, क्वांटिटी भी बहुत बड़ा लग रहा है देखने में। एंड अलॉन्ग विथ हमने मंगाया हुआ है तंदूरी रोटी। हाँ, आप देख सकते हैं तंदूरी हमने मंगाया हुआ है तीन, एंड तीन चपाती रोटी मंगाया हुआ है। सर्व कर देंगे प्लीज। हाँ, तो चलिए अभी कोई आएंगे, आप देख सकते हो। कितना ही डिलीशियस लग रहा है ये। एंड दिस इज पालक पनीर। अब देखिए कितना क्रीम डाला हुआ है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं, है ना। लेंगे तंदूरी रोटी एंड दाल। आप देख सकते हैं दाल भी बहुत ही थिक बन के आई हुई है। ट्रैवलिंग में जनरली हम लोग जो है ना वेजिटेरियन खाना प्रेफर करते हैं, सो दैट यू नो हैवी ही नहीं पड़ता ये स्टमक पर। बहुत ही मज़ा आ रहा है। गर्मा गर्म आया हुआ है। रोटी भी अगर आप देखेंगे तो कितनी सॉफ्ट बन के आई है, देखिए। अब लेंगे पालक पनीर। ओ हो हो हो, अच्छा बना हुआ है। एंड चलिए देखेंगे पनीर खा के जरा। ओ पनीर देखिए कितना स्पंजी लग रहा है। पालक पनीर थोड़ा भी स्पाइसी नहीं है, मज़ा ही आ रहा है। एंड थोड़ा भी मुझे लगता है ये खाना खाने के बाद में हैवी नहीं, बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। एंड क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा भर भर के आया हुआ है। हम लोग तीन लोग हैं खाली खाने के लिए, देखते हैं पूरा ख़त्म कर पा रहे हैं या नहीं। फ्रेंड चलिए अभी चपाती भी आ गई, चपाती के साथ में खा के देखते हैं। ये गेहूँ की चपाती हमने मंगाया हुआ है, लेंगे इसको एलोंग विद द पनीर, देखते हैं कैसा है। ओहो, तंदूरी रोटी के साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है एक अलग ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन चपाती के साथ में ना इसका जो टेस्ट है ना पालक पनीर का, वो डबल हो जाता है। दाल तड़का देखते जरा पी के। एंड ये है कांदा। वेजिटेरियन डिश का जो है ना एक जो मज़ा होता है खाने में ना ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग एटलीस्ट, बहुत मज़ा आता है। थोड़ा भी हैवी ऑन स्टमक नहीं होता ये, आपको कंफर्टेबल फील कराएगा हमेशा। बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है। फ्रेंड्स एक नई चीज़ मालूम पड़ी है मुझे अभी, आप देख सकते हैं ये नीचे जो है ना इस बॉल के कैंडल जल रहा है ये पूरा नीचे, जिसके ऊपर दाल रखा हुआ है, जिससे जो है ना ये दाल हॉट रहेगा। और ये पालक के नीचे भी है ना सेम कॉन्सेप्ट,
तो ये लखनऊ में मुझे नया कॉन्सेप्ट नज़र आया, आप देख सकते हैं ये कैंडल जल रहा है जिससे ये हॉट रहता है, सो यूनिक। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये कैंडल जल रहा है, नीचे से तो बबल्स देखिए दाल में से अभी भी निकल रहा है। ये पालक पनीर में नहीं आ रहा बिकॉज वो ज़्यादा ही थिक है। सो फ्रेंड्स, इट इज़ ए वाइंड अप टाइम फ्रॉम द रॉयल कैफे हियर इन लखनऊ। बहुत मज़ा आया, मतलब जो एक नया कॉन्सेप्ट था ना इनका, वो दिया वाला, वो तो मतलब मेरे लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट लग रहा था। मतलब मुंबई में मैंने ऐसे रेस्टोरेंट्स में देखा नहीं है, तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगा कि मुंबई में भी जाके ऐसे कुछ खोजूँ। तो चलिए बहुत ही जल्दी ऐसे और एक नए ब्लॉग के साथ मैं आप लोगों को मिलता हूँ। टिल दैट टाइम अगर वक्त मिले तो खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का और मस्त रहने का, लेकिन कोई भी गलत काम नहीं करने का। चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।